Good morning students, how are you all? First I welcome you on behalf of Rasa International School. So the class is 4th, subject is English language, chapter 15 and the topic is may not on the page number 76. Today we will understand where we use may or may not. So first we will read these dialogues and understand it. After that we will read the definition and understand. So we will read it. Peter, it may rain later, please carry an umbrella. Peter ne kaha it may rain later ki baad mein barish ho sakti hai, please carry an umbrella ki kripya aap ek umbrella apne saath rakhein. Mary said, may I borrow yours? क्या मैं तुम्हारा ले सकती हूँ? Peter, yes, you may. Peter said, yes, आप ले सकती हैं मेरा. You may. Mary, may I keep it for a few days? Mary ने कहा कि क्या मैं आपके इस अम्ब्रेला को कुछ दिन तक रख सकती हूँ? Peter said, no, you may not. नहीं, आप नहीं रख सकती. Please return it tomorrow. आप मुझे इसे कल वापस कर देना. मैरी, आई मे नॉट बी कमिंग हेयर टमोरो. शायद कल मैं ना आ पाऊँ. आई मे नॉट बी कमिंग हेयर टमोरो. शायद मैं कल ना आ पाऊँ. सो हेयर द वर्ड यूज मे और मे नॉट. मे, इट मे रेन लेटर, बारिश हो सकती है. ओके, मे आई बोरो योर्स, क्या मैं ले सकती हूँ तुम्हारा? यस यू मे, यस आप ले सकती हैं. मे आई कीप इट फॉर फ्यू डेज़, क्या मैंने कुछ दिनों तक रख सकती हूँ अपने पास? पीटर सेड, नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं रख सकती. मैरी, आई मे नॉट बी, मैं नहीं आ सकती. ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड रीड द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड. वी यूज़ मे टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ पॉसिबल. ओके, मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि ये वर्क हो सकता है. अबाउट समथिंग दैट इज़ पॉसिबल, जो पॉसिबल होता है हमारे अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग अगर वो हो सकता है वर्क, तो हम वहाँ मे का यूज़ करते हैं. एंड टू आस्क फॉर परमिशन, एंड और हम जब कभी भी कोई परमिशन मांगते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं. एंड टू आस्क फॉर परमिशन, और किस वे में? पोलाइटली वे में. Ask for permission politely. We also use may to give permission. जब हम किसी से permission लेते हैं और permission देते हैं तब हम may का use करते हैं. अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने may not का use कैसे किया है. So we use may not to talk about the something that is not possible. We use may not to talk about, जब जहाँ कहीं भी मे नॉट की बात हो रही हो तो वहाँ पर मे नॉट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल. कोई चीज़ जब पॉसिबल नहीं होती है तब हम मे नॉट का यूज़ करते हैं. एंड टू रिफ्यूज़ परमिशन, और जब हम किसी की परमिशन को रिफ्यूज़ करते हैं तब हम मे नॉट का यूज़ करते हैं. सो हियर वी यूज़ मे और मे नॉट. मे यूज़ फॉर व्हेन वी गिव परमिशन और टेक परमिशन, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग. किसी काम को करने की अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज़ करेंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज़ may not use the possibility to do something and refuse the permission. So I hope so you all are understand the use of may or may not. So here is a one exercise. Fill in the blanks with may or may not. Compare your answer with those of your friends. Okay. I come in please. When we say I come in, main andar aa sakta hu. If you add may I come in please, it is show that you take permission to your teacher or anything else, or किसी से भी ले सकते हैं आप.
यहाँ पे हम टीचर को शो कर रहे हैं बिकॉज मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इट इज़ शो दैट यू टेक परमिशन एंड द टीचर सेड यस यस यू कम इन. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेयर वी यूज़ मे और मे नॉट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.